हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से ग्लो इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो आप कैसे देंगे। जैसे कि मैंने इस इमेज पर दिया है, मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप इस तरह का ग्लो इफेक्ट अपने किसी इमेज को देना चाहते हैं तो वो हम कैसे देंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने इस सब्जेक्ट की एक सिलेक्शन बनाएंगे। आप किसी भी टूल से इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, पेन टूल, लेसो टूल या जिस टूल से भी आप चाहें। मैं फिलहाल सिलेक्शन के लिए यहाँ सिलेक्ट में जाता हूँ और यहाँ से यूज़ करूँगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद उसने इसकी रफ सिलेक्शन दे दिया। अब इसको रिफाइन करने के लिए मैं यहाँ सिलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट एंड मास्क की इस विंडो में आ जाएगा। यहाँ आने के बाद हम यहाँ व्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करके एजेस को रिफाइन कर सकते हैं। मैं फिलहाल अनियन स्किन के साथ जा रहा हूँ। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी 50% कर देंगे। अब हम यहाँ से रिफाइन ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद हम अपने सब्जेक्ट को इस तरह जूम करेंगे, इसका साइज छोटा कर लीजिएगा और हम बिल्कुल एजिस पे इस तरह से इसको करते जाएंगे। एजिस को रिफाइन कर लेने के बाद आप यहाँ बॉटम पे आएंगे इस तरफ और यहाँ आप देखेंगे आउटपुट सेटिंग्स। यहाँ पर आप डिकॉन्टमिनेट कलर्स को चेक करेंगे और यहाँ इसकी अमाउंट को तकरीबन 65 के आसपास रख दीजिए और यहाँ पे आपका आउटपुट टू न्यू लेयर विद लेयर मास्क होना चाहिए। इससे ये होगा कि वो एक न्यू लेयर मास्क के साथ ऐड कर देगा। अब हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं उसने यहाँ पर एक लेयर ऐड कर दी है। ग्लो इफेक्ट देने के लिए हमें ये अपर पार्ट अलग से एक न्यू लेयर में चाहिए होगा। इसके लिए हम इसकी एक सिलेक्शन बनाएंगे। हम इस मास्क पे कंट्रोल प्रेस करने के बाद क्लिक करेंगे तो ये इसकी एक सिलेक्शन बना देगा। अब हम यहाँ से पॉलीगनल लेसो टूल सेलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट कर लेने के बाद हम यहाँ ये थर्ड वाला मेन्यू आप देख सकते हैं, इसका आइकन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, हम ये सिलेक्ट करेंगे। इसको हम प्रेस करके रखेंगे, ये एक्टिव होना चाहिए। अब हम थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ से हम क्लिक करेंगे इस तरह से और यहाँ से इधर इस तरह से हम सिलेक्शन करते जाएंगे। क्योंकि हमें ये माइनस करनी है सिलेक्शन, हमें सिर्फ अपर वाले पार्ट की सिलेक्शन चाहिए और यहाँ लाने के बाद हम इसके साथ ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं उसने अपर वाले एरिया की सिलेक्शन कर दी है। अब हम कंट्रोल जे से इसकी एक कॉपी बना लेंगे। अब हम कंट्रोल जी करेंगे और इसका एक ग्रुप बना लेंगे। फिलहाल हम इस ग्रुप का आई बल्ब बंद कर देते हैं। अब हम इस बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आएंगे एडजस्टमेंट लेयर और यूज़ कर लेंगे कलर लुकअप। कलर लुकअप में आने के बाद हम यहाँ 3D लट फाइल्स में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें यूज़ करना है मून लाइट और इसको हम बंद कर देंगे। अब हम फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यूज़ करेंगे ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट में हम इसको बंद कर देंगे और इसकी ओपेसिटी हम कम करेंगे 50% के आसपास। अब हम वापस अपने ग्रुप में आएंगे, इसकी हम आईबॉल को ऑन करेंगे। इसमें जो लेयर हमने जो अपर पार्ट कट किया था, कंट्रोल जे से इसकी एक कॉपी बना लेंगे। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे लीनियर डॉज। इसके बाद हम जाएंगे फिल्टर में, यहाँ से यूज़ करेंगे ब्लर और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। गशियन ब्लर की वैल्यू हम देंगे यहाँ पर 5 पिक्सल के आसपास और इसको ओके कर देंगे। अब कंट्रोल जे से इसी की एक और कॉपी बनाएंगे और इसके गशियन ब्लर वाले फिल्टर पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू को हमें थोड़ा बढ़ाना है, हम यहाँ करेंगे 100 पिक्सल्स के आसपास। अब हम कंट्रोल जे से एक और कॉपी लेंगे, फिर से इसके डबल क्लिक करेंगे और इस बार हम रखेंगे 200 पिक्सल्स। अब हमें एक और लास्ट कॉपी बनानी है, उसके लिए कंट्रोल जे करेंगे फिर से और इस बार हम इसकी वैल्यू देंगे 400 पिक्सल्स के पास और ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इन स्टेप्स के साथ हमारा ये ग्लो इफेक्ट कुछ दिखने लगा है। अब हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे ह्यू सेचुरेशन।
और यहाँ हम क्लिपिंग मास्क के लिए क्लिक कर देंगे। इसका फायदा ये होगा कि ये सिर्फ इसी ग्रुप पर अप्लाई करेगा। यहाँ एक कलराइज का एक अनचेक बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको चेक कर देंगे और इसकी सेचुरेशन को हम बढ़ा देंगे तकरीबन 85 के आसपास। आप इसको 90 कर दें, 90 के आसपास, 85 to 90% के आसपास रख लीजिएगा। अब हम यहाँ से ह्यू में कोई भी इसका एक कलर सेलेक्ट करेंगे जो हम ग्लो में देना चाहते हैं। जैसे कि मैं फ़िलहाल मैं ये वाला कलर देना चाहता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा कलर इसका चूज़ करना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल इस येलो कलर के साथ जाता हूँ और यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे कर्व्स, और इसको हम यहाँ क्लिक करने के बाद क्लिपिंग मास्क कर देंगे, फिर ये इसी लेयर पर काम करेगा। अब हम इसको थोड़ा सा ग्राफ को नीचे करेंगे, तकरीबन इतना कर देते हैं, और यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे कर देंगे और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। इसके बाद आप अपनी कर्व्स वाली लेयर के मास्क को सिलेक्ट कीजिएगा। ये देखिए थंबनेल ये मास्क वाला सिलेक्ट होना चाहिए। अब हम यहाँ से ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे, इसकी ओपेसिटी 50% और फ्लो कम रखिएगा तकरीबन 25%, और यहाँ से जो इसका फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। इसको हम स्वैप कर देते हैं, ये ब्लैक हो जाएगा फोरग्राउंड कलर। और अब हम यहाँ पे पेंट करेंगे सिर्फ इसके अपर वाले एरिया में, यहाँ ऊपर ऊपर इस तरह से। ये कर लेने के बाद आप यहाँ ऊपर आएंगे एडजस्टमेंट लेयर, ये वाली लेयर जो हमने यहाँ ऊपर इसके अपर पार्ट को दी थी। आप कंट्रोल जे से इसकी एक कॉपी बना लेंगे और इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले आएंगे यहाँ। अब हम इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिपिंग मास्क कर देंगे, इससे ये होगा कि ये सिर्फ इस वाली लेयर पर अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हैं वो सिर्फ इस वाली लेयर पर अप्लाई हो चुका है। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हम इसके मास्क वाले आइकन को क्लिक करेंगे और कंट्रोल आई से इसको इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करने के बाद हम फिर से ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, इस बार हमारा फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए क्योंकि यहाँ इन्वर्ट ब्लैक मास्क है। अब हमें यहाँ इसका फ्लो और ओपेसिटी को थोड़ा सेट करना है। यहाँ इसकी ओपेसिटी हम 40% के पास रखेंगे और फ्लो हम इसका 30% के पास रखेंगे। अब हम यहाँ इसके अपर वाले पार्ट पर, क्योंकि अगर ऊपर ग्लो है तो उसका रिफ्लेक्शन भी इसके ऊपर आएगा, इसकी बॉडी के ऊपर, तो इसके लिए हमने ये कॉपी किया है। ये देखिए अगर हम, मैं इसके ऊपर इस तरह ब्रश करूँगा तो आप देख सकते हैं, ये देखें साइज ब्रश का छोटा या बड़ा कर सकते हैं आप, स्टार्ट और एंड ब्रैकेट से इसका साइज बड़ा छोटा, ये देखिए। तो इस तरह इसके रिफ्लेक्शन के, लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए हमें ये करना होगा इस तरह से। आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ मैं फ़िलहाल इसको 100% ही रख रहा हूँ। अगर आप अपने इस ग्लो का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी इस ह्यू एंड सैचुरेशन वाली लेयर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। लास्ट में अगर हम इसके ऊपर कुछ स्पार्कल्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक इमेज लेके आएंगे जो कि मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये वाला। आप इस तरह का कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ इसको एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और यूज़ करेंगे स्क्रीन। अब यहाँ से आप इसके ऊपर ऐड अ लेयर मास्क कर देंगे और कंट्रोल आई से इसको इन्वर्ट कर देंगे। अब हम इस मास्क को सिलेक्ट करते हुए ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इसकी ओपेसिटी हम रखेंगे तकरीबन 65 के आसपास और फ्लो रखेंगे 30%। याद रखिएगा फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। अब हम यहाँ हल्का हल्का सा पेंट करेंगे इस तरह से, बिल्कुल इसके ऊपर जो कि अपर पार्ट है। आप थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं 75 कर देता हूँ, सॉरी 75। अब हम यहाँ इस तरह इसके एजिस पे पेंट कर देंगे। इस तरह से पेंट कर लेने के बाद अब आप जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे लेवल्स। और याद रखिएगा ये क्लिपिंग मास्क हमने फिर करना है, इससे ये होगा कि ये सिर्फ इसी लेयर पर अप्लाई करेगा। अब हम इसकी वैल्यू इसको ड्रैग करते हुए थोड़ा सा इस तरफ लेके आएंगे
और यहाँ से हम राइट की तरफ लेके जाएंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। इस तरह से और इसको बंद कर देंगे। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है उसके लिए हम यहाँ फिर से एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और यहाँ से फिर से यूज़ करेंगे कलर लुकअप। कलर लुकअप में हम यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और इस बार हम यूज़ करेंगे यहाँ क्रिस्प वार्म लुक। ये सिलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करेंगे। मैं फ़िलहाल इसकी 40% के आसपास रखता हूँ या इसको 35 कर देते हैं और ओके कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा ये ग्लो इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्लो इफेक्ट दे सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।